झारखंड में बुधवार से फिर से दो दिन तक बारिश की संभावना है। बुधवार को उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बनने वाला साइक्लोनिक सर्कुलर सक्रिय हो जाएगा। इसका असर 9 फरवरी को झारखंड में दिखाई पड़ने लगेगा। 9 फरवरी को दोपहर के बाद मौसम में बदलाव होगा, आसमान में बरसने वाले बादल छाने लगेंगे। इसी दिन राज्य के उत्तरी भाग में गढ़वा से लेकर साहिबगंज के बीच और बिहार की सीमा से सटे इलाके समेत मध्य भाग के रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग और गुमला जिला में कहीं हल्की और कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम में बदलाव के दूसरे दिन 10 फरवरी को राज्य में उत्तरी एवं मध्य के अलावा दक्षिणी पूर्वी भाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन वज्रपात के साथ मध्य दर्जे की वर्षा होगी। 9 और 10 फरवरी को तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। वहीं 11 से मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में आसमान से बादल छटने के साथ ही 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। मौसम पूर्वानुमान में सुबह से राज्य के मैदानी भाग, वन क्षेत्र और नदी तट वाले इलाके में सुबह से धुंध की स्थिति बनी रहेगी। बताया गया कि अभी उत्तर पश्चिम की दिशा से बर्फीली हवा का बहाव हो रहा है, इसके असर से कपकपाने वाली ठंड अभी कायम रहेगी। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान गढ़वा में 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रांची सहित 6 शहरों में अभी भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है, जो सामान्य कम है। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कड़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।